हमारी मस्जिद ऐसी हो, इसके अंदर ये चीज़ भी आप ऐड कर लें कि हमारी मस्जिद एक ऐसी जगह पे बने जो जगह मैंने जैसा कहा लीगल हो, जो जगह प्राइम हो, जो जगह परचेज्ड हो। उसके अलावा एक नुक्ता उसमें मैं भूल गया था, वो ये है कि वो जगह कानूनी एतबार से वेल लीगलाइज प्रोसेस की गई हो कि यहाँ एक इबादत खाना है। वरना जनरल प्रॉब्लम ये है, आपने मदरसे का एक रजिस्ट्रेशन कराया, उसके ऊपर नमाज का सिस्टम शुरू किया, ना वक्फ बोर्ड को मालूम यहाँ क्या हो रहा है, ना गवर्नमेंट को मालूम यहाँ कोई इबादत खाना है। गवर्नमेंट ने मास्टर प्लान बनाया, डिजाइन ने बोल दिया काट दो इसको यहाँ से, चूंकि घर है, एक पर्सनल प्रॉपर्टी है, एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। अब हुआ ये कि वो काटने का आ गया, आपके नाम में फरमान जारी हो गया कि ये जगह तो कटने वाली है। अब आप लगे कि हुकूमत हमारे खिलाफ है, हुकूमत हमारे खिलाफ है, एक मस्जिद को तोड़ दे रही, लेकिन हुकूमत को मालूम ही नहीं कि यहाँ मस्जिद है, क्योंकि मस्जिद आपने ना वक्फ में रजिस्टर कराई कि वक्फ दावा करे कि यहाँ तो ऑलरेडी एक मस्जिद है, ना आपने कुछ प्रोसेस किया। तो ये बहुत बड़ी गलती है जिसके नतीजे में बहुत फितने मचते, याद रखिए। तो अपनी मस्जिदों को लीगलाइज कीजिए लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक, जमीनी कानून के मुताबिक, वरना फिर जब मास्टर प्लान निकलते हैं, गवर्नमेंट को रोड निकालना चाहती है, वो है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में पर्सनल प्रॉपर्टी, आप उस पर एक मदरसा चला रहे हैं, उसमें एक मस्जिद आपने खोल रखी है, इशू खड़ा हो जाता है और पूरी उम्मत जो है दाव पे लग जाती है। मत करो ऐसा, मस्जिदों को लीगलाइज करो, पेपर वर्क करो, वक्फ बोर्ड्स या कमेटियां अगर गवर्नमेंट ने बनाई इस पर रजिस्टर्ड कराओ कि हम नमाज पढ़ते हैं, अगर मस्जिद मदरसा है तो ऐलान करो ताकि हुकूमत हो, और अगर ऐसा उसके बाद भी कोई नोटिस गवर्नमेंट की तरफ से आए फौरन लीगल एक्शन लो। होता है कि मास्टर प्लान लागू होता है 1965 में, 68 या 69 में आपको नोटिस मिलता है कि मास्टर प्लान जो 65 का एक्सिक्यूट होगा, वो तो अब तक नहीं हुआ, फिलहाल 65 का मास्टर प्लान अभी बाकी है, 2015 भी होगा तो हो रहा था थोड़ा, मतलब 50 साल हो गए थे वो प्लान को बन के, 1965 का मास्टर प्लान जो हमारे सिटी के हिसाब से टाउन प्लानिंग में हुआ था, वो अब तक एक्सिक्यूट पूरा नहीं हुआ। उसमें नोटिस 50 साल पहले दिया गया कि ये जगह को तोड़ना है, आपने आज तक एक्शन नहीं लिया उस पर, अब वो आ रहे तोड़ने, तो अब लगी मस्जिद को तोड़ने हुकूमत आई, तो आपने 50 साल में किया क्या? 50 साल में गए क्यों नहीं थे आप? हुकूमत को बताया नहीं, क्योंकि रोड को आपको यहाँ वाइड आप नहीं कर सकते क्योंकि आप मस्जिद है, रोड को टर्न करो। और जब प्लान आती है और उसके नोटिसेस जारी होती है, नोटिसेस जारी करने के बाद एक पीरियड दिया जाता है कि इसमें आकर आप बताएं यहाँ क्या है। अगर आप वहाँ फौरन जाकर कहें कि 65 का प्लान था, 68 में नोटिस आया, आप 70 तक कार्रवाई करें, कोर्ट के थ्रू गए बताया गवर्नमेंट को, प्लान चेंज कर दिया जाता है। हम कुछ नहीं करना चाहते, इस मुद्दे को बस मुद्दा बना के घर में उठना चाहते नहीं, तो हमारी वजीते खरीदी हुई जगह पर हो, अच्छे स्पॉट्स पर हो, लीगलाइज्ड हो, लीगल किया जाए पूरा काम, जो भी लीगल कार्रवाई लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक, जमीनी कानून के मुताबिक किया जाए।